हाय दिस इज केतु। हम लोग कई तरह के कॉटन की बात करते हैं कि पीमा कॉटन क्या होता है, सुपीमा कॉटन क्या होता है, इजिप्शियन कॉटन क्या होता है, कॉम्ड कॉटन टी शर्ट्स क्या होती हैं। देखिए, 2 मिनट का वीडियो है, आप ध्यान से सुनिएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए, जब एक किसान खेत से कॉटन कलेक्ट करता है, ना तो उसमें सुपीमा होता है, ना तो पीमा होता है, ना तो इजिप्शियन कॉटन होता है, वो उस समय कॉटन कॉटन ही होता है। इसके बाद कलेक्ट करने के बाद एक प्रोसेस चलता है जिसे हम बोलते हैं कॉम्बिंग प्रोसेस। कॉम्बिंग प्रोसेस के बाद वैराइटीज़ आ जाती हैं। कॉम्बिंग प्रोसेस जब हम चलाते हैं कॉटन में, तो इस कॉटन को 4 तरह की वैराइटीज़ में बांट देते हैं, रेशे के हिसाब से, रेशे की लंबाई के हिसाब से। तो पहला जो भाग होता है वो उसमें डाला जाता है सबसे छोटा रेशा। सबसे छोटा रेशा जो होता है उसकी लंबाई करीब 15 से 20 mm के नीचे ही रहती है, सबसे छोटे रेशे जो पहला भाग है हमारा। दूसरा भाग होता है मीडियम रेशा। मीडियम रेशे की जो लंबाई होती है वो करीब 20 से 30 एमएम के करीब होती है। और जो तीसरा हो जाता है लंबा रेशा। लंबा रेशा उसकी लंबाई 25 से 35 के करीब रहती है। और चौथा जो आ जाता है सबसे लंबा रेशा, उसकी जो लंबाई रहती है 35 एमएम के ऊपर ही रहती है। तो आपने देखा, कॉम्बिंग के बाद कॉटन के रेशे को 4 भाग में डिवाइड कर दिया गया, और इन्हीं से फिर डिसाइड करी जाती है कि भैया कौन सा पीमा बनेगा, कौन सा सुपीमा बनेगा। होता सब कॉटन है, और पीमा, सुपीमा, इजिप्शियन कॉटन सब कुछ केवल लंबाई पे निर्भर करता है। और इसका कुछ भी अलग से ऐसा नहीं है कि पीमा सुपीमा अलग से इसकी खेती हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, केवल लंबाई पे निर्भर करता है कॉटन के रेशे की। तो अब आते हैं पीमा सुपीमा एग्जैक्टली होता क्या है। मैंने बताया था 35 mm का जो लंबा सबसे लंबा रेशा होता है उससे हमारा पीमा, सुपीमा, इजिप्शियन ये सारे कॉटन बनाए जाते हैं। अभी पीमा की बात करें तो पीमा की ज़्यादा खपत जो होती है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो होती है, वो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया, पेरू, इज़राइल, यूएसए, बड़ी कंट्रीज़ में होती हैं। और सुपीमा देखो क्या है, जो पीमा यूएसए में बना है उसे हम सुपीमा बोलते हैं। सुपीमा और पीमा में कोई डिफरेंस नहीं है। पीमा जो यूएसए में बन रहा है उसे हम सुपीमा बोल रहे हैं। यूएसए में बेसिकली 1950s में एक ऑर्गेनाइजेशन था सुपीमा ऑर्गेनाइजेशन करके। तो वो लोग ये करते थे कि भैया जो सबसे अच्छा कॉटन है यूएसए में उसको सुपीमा का सर्टिफिकेट देते थे, अपनी कंपनी का सर्टिफिकेट देते थे। तो वो पीमा जो यूएसए में बना सुपीमा बन जाता था, क्योंकि सर्टिफिकेट वो यूएसए में मिल रहा है। तो पीमा सुपीमा कोई डिफरेंट नहीं है। पीमा की बात करें तो देखो कई कंट्रीज में है, और इसका जो मार्केट शेयर है less than 5% है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और सुपीमा जो यूएसए में पीमा बना, इसका मार्केट शेयर है less than 1%। मोस्टली जो आपको टी शर्ट्स देखने को मिलेंगी वो मीडियम रेशे वाली होती है, क्योंकि मीडियम रेशा 80% होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो मार्केट शेयर है मीडियम रेशे से बनने वाली टी शर्ट्स का 80%। हमारी जो टी शर्ट्स होती हैं वो बेसिकली मीडियम और लार्ज रेशे को लेकर बनाई जाती है। बहुत सारे प्रोसेस चलाए जाते हैं जिसके बाद फाइनल जो रिजल्ट निकलता है टी शर्ट्स का, एक प्रीमियम क्वालिटी निकलता है। देखिए, मेरा मानना यह है कि अगर आपको एक अच्छी क्वालिटी की बायोवॉश टी शर्ट मिल रही है ना इंडिया में, तो आप उससे ही अपना बिजनेस चालू करके रखें। मेरे पास कई बायर आते हैं, बोलते हैं कि भैया मेरे को सुपीमा कॉटन चाहिए। मैं उनको मना कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक अच्छी क्वालिटी की बायोवॉश टी शर्ट है आपके कस्टम प्रिंटिंग बिजनेस के लिए, बट सुपीमा नहीं है। देखो होगा क्या, आप 10 लोगों के पास जाओगे इंडिया में, 10 में से 2-3 लोग आपको ये बोल देंगे कि मेरे पास सुपीमा कॉटन है, और आपको चीज़ वही देंगे जो हम अभी दे रहे हैं। तो दिक्कत ये है कि आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे, क्योंकि देखो सुपीमा कॉटन जो है मार्केट शेयर इसका ऑल ओवर द वर्ल्ड 1% है केवल। अभी जो भी वो 1% है, जो भी छोटा मार्केट शेयर है, वो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ में होता है, क्योंकि वहाँ पर रिटेल में लोग पे कर रहे हैं एक अच्छा अमाउंट, 600-700 रुपये पे कर रहे हैं टी शर्ट का। इंडिया में इतना अच्छा रेट नहीं मिलता है। तो जितना इंडिया में भी सुपीमा कॉटन या पीमा कॉटन होता है वो भी सारा एक्सपोर्ट हो जाता है बड़ी कंट्रीज़ में, यूएसए में। तो आप अगर इंडिया में कस्टम प्रिंटिंग का बिजनेस कर रहे हो तो आप सुपीमा के पीछे मत भागो। एक अच्छी क्वालिटी की बायोवॉश टी शर्ट्स आप देख के रखो कहीं से। अगर आप हमसे हमारी टी शर्ट्स लेना चाहते हो तो नीचे व्हाट्सएप लिंक है, आप गेट बैक कर सकते हैं, सैम्पल मंगाओ, चेक करो 10 से 15 दिन, उसके बाद आप ऑर्डर लो।